दोस्तों काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर जब आप ट्रेडिंग के लिए जाते हो तो अपना एक व्लॉग बनाओ। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ में अपना एक व्लॉग बनाने वाला हूं कि मेरी एक ट्रेनिंग है आज डॉक्टर्स लोगों के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स लोगों के लिए, कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। उसी के लिए आज मैं तैयार होकर निकल रहा हूं और ट्रेनिंग का नाम है हाउ टू इनहांस योर जनरल प्रैक्टिस। काफ़ी सारे डॉक्टर्स आने वाले हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स आने वाले हैं, कंसल्टेंट आने वाले हैं, उनको मैं आज संबोधित करने वाला हूं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। मैं आपको अपडेट देते रहूंगा और प्रोग्राम में मेरी ट्रेनिंग्स भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। सो आई हैव अ रॉकिंग डे, थैंक यू सो मच। थ्री थिंग्स दैट इज ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, दे आर ओनली जस्ट फोकसिंग टू द प्रैक्टिस। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन आने वाला जो ट्रेंड है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है डॉक्टर्स लोगों के लिए। वो ये कि हर डॉक्टर्स को अभी अपना ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ही हैज़ टू कम अप टू सोशल मीडिया कि वो कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है लोगों को, लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे होता है कि बहुत से अच्छे डॉक्टर्स होते हैं बट दे आर अंडर रेटेड जनरल प्रैक्टिशनर जस्ट बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता है। दोस्तों ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हो तो आपकी ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने व्लॉग बनाया है वैसे आपको प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट आपको एक व्लॉग बनाना पड़ेगा और बिफोर ट्रेनिंग ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी ट्रेनिंग से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्री वर्कआउट होता है वो देखना, प्रेजेंटेशन, साउंड चेकिंग, एंकरिंग, हर एक चीज़ को आपको खुद से मुआयना करना पड़ेगा ताकि सब बराबर जाए। प्रोग्राम का शेड्यूल चेक करें, क्या प्रोग्राम होने वाला है, कितने ऑडियंस आने वाले हैं, सब कुछ आपको बिफोर प्रोग्राम चेक करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग का सबसे बड़ा ब्रांडिंग है कि बीच बीच में आप अपने सारे प्लेटफॉर्म पे लाइव जाओ ताकि लोगों को पता चले कि आपकी ट्रेनिंग शुरू है। दोस्तों अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि कौन से ऐसे 7 स्टेप्स हैं जो आपको एक हाईली इफेक्टिव ट्रेनर बनाता है दोस्तों कोचिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको कोचिंग इंडस्ट्री करनी तो है, ट्रेनर बनना तो है, बट दे डोंट नो कि इसको हम कैसे फॉलो करें या कैसे आगे लेके जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में ये 7 चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि किस तरह से आपको व्लॉग बनाना है, किस तरह से आपको आगे जाना है। तो सबसे पहला जो है आपको लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आप अपने एडवर्टाइजिंग, अपने कैंपेन के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो ऑब्जेक्टिव आप ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को एक्सप्लेन करके देना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करते हो लोगों को, व्हेन यू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव इन प्रॉपर फॉर्म, तो लोग आपके साथ में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको लोगों को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट प्रोसीजर? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपको पहले मुआयना करना है, आपको देखना है कि सिस्टम बराबर है कि नहीं, वहां पे माइक सिस्टम है। आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब आप लोगों से फीडबैक, यानी इट शुड बी अ कन्वर्सेशन सेशन होना चाहिए। आप जब बातचीत करें तो एक कन्वर्सेशन सेशन हो, देन एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस। दोस्तों ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। दोस्तों बहुत से लोग हैं वो आपको सुनने के लिए आए हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है तो लोग आपके साथ में, आपके कॉन्फिडेंस के साथ में जुड़ते हैं। तो ट्रेनिंग में आपका कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी चीज है। जब आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो लोग आपके साथ में कनेक्ट होने लगते हैं, लोग आपके साथ में जुड़ने लगते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। एंड लास्ट वन इज अ फॉलोअप। हाँ दोस्तों आपको ट्रेनिंग में फॉलोअप देना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया, सेकेंड पॉइंट पे गए, थर्ड पॉइंट पे गए, फोर्थ पॉइंट पे गए, तो आपको लोगों को फॉलोअप उनसे लेना बहुत जरूरी है कि क्या समझा, क्या समझ में आया। उनसे जब आप इंटरेक्शन करोगे, उनसे जब आप डिस्कशन करोगे, उनसे जब आप बातचीत करोगे, तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये 7 पॉइंट्स दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और आपको उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जाना है। नाउ आपको एक अच्छा ट्रेनर कैसे बनाता है ये सारी की सारी चीज़ें, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी।
एक तो सबसे पहला आपको उनको कुछ लर्निंग देना है कि वो आपके पास में है तो कुछ सीख के चले जाते। अगर आपने उनको एक अच्छी लर्निंग दिया तो डेफिनेटली वो आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे और वो आपके साथ में जुड़े रहेंगे और आपकी आने वाली हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। आप एक अच्छे ट्रेनर सामने आ सकते हो। नेक्स्ट इज अ फैसिलिटेटर, यानी पॉइंट्स को फॉलो किया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर साबित होगे, सक्सेसफुल ट्रेनर साबित होगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्फ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं अबाउट दी ट्रेनिंग पार्ट कि एक अच्छा ट्रेनर कैसे बना जाता है, और मेरा तो काम हो गया है। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें ट्रेनर बनना है या जिनको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम करना है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें आपको कौन सा अच्छा पॉइंट लगा है जो आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौशली के साथ में। थैंक यू सो मच।